Hello friends, so let us continue with capital bursting. Now in the capital budgeting, we have been talking about the discounting techniques like the NPV, IRR, right? Discounted payback period, MIRR. Now the next technique that we are going to discuss, the last one that we are going to discuss, in this lecture, we'll be covering two topics. One is the profitability index and the other one is capital rationing, right? So first, let us talk about the profitability index. Profitability index. Now this, if we talk about this profitability index, one thing is very clear in this, that it is again a discounting. It is again a discounting technique like NPV, IRR, discounted payback period. It is again a discounting technique. Clear? Now, what is a profitability index? For that, first you need to understand what is an index, right? Isko ek aur naam bhi diya gaya, profitability index, ya isko bola gaya desirability factor. Desirability factor. चलो जी, तो उन्होंने क्या कहा इसमें. अब सबसे पहले आपको समझना क्या है कि सर इंडेक्स क्या होता है. नॉर्मली इंडेक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्यू वेरिएबल्स. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ठीक है, कैसे? जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ इंडेक्स निकालती है. कैसे? जैसे कि एक इंडेक्स निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा, इंडेक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. मतलब है कि जब ह्यूमन की डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए उन्होंने दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी किया, ठीक है, और उन वेरिएबल्स को स्टडी करके उन्होंने कुछ वैल्यू निकाली जिसको उन्होंने नाम दिया क्या चीज, इंडेक्स का. ठीक है, तो इंडेक्स इज अ स्टडी और अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हमारी गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, वो ये देखना चाहती है कि जो स्कीम्स थी, जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी, राइट, उन गवर्नमेंट स्कीम से लोगों तक बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, राइट. जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो उसका बेनिफिट है, उसका जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, रीचिंग पीपल और नॉट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दो कौन से वेरिएबल्स के बीच में स्टडी हो रही है. एक वेरिएबल है जो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा हम देख रहे हैं बेनिफिट. तो ये दो वेरिएबल्स को स्टडी किया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उस पर कुछ एक्सपेंडिचर करेगी लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक है, तो गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है कि जो वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा. क्लियर है? तो दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. यहां से उनको एक वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को बोलते हैं इंडेक्स. सो इंडेक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स लाइक द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, वेदर द बेनिफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द पीपल और नॉट. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द रिसीट ऑफ बेनिफिट टू द पीपल. अगर एक्सपेंडिचर होगा तभी लोगों तक बेनिफिट पहुंच पाएगा, और कितना बेनिफिट पहुंच रहा है वो किससे पता चलता है, हमें एक वैल्यू निकलती है जिसको बोलते हैं इंडेक्स. क्लियर है? अब अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम जो गरीब लोग हैं हम उनको हर महीने 1,000 रुपए देंगे. ठीक है, सपोज करो गवर्नमेंट ने कहा कि हम
जो बहुत गरीब परिवार है, जो बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज़ हैं, हम उनको हर महीने, जिनको जॉब्स नहीं मिलती, जो इलिटरेट हैं, हम उनको हर महीने 1,000 रुपये देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर वो 1,000 रुपीज़ दे रही है तो गवर्नमेंट का क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारे पास, एक्सपेंडिचर होता है सर कैश आउटफ्लो, है या नहीं है। और बेनिफिट क्या है, बेनिफिट को हम बोल सकते हैं कि ये कैश इनफ्लो है। अगर बिजनेस को साथ में कंबाइन करो तो जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ऐसी वैल्यू निकाल रही है जहां पर हमें रिलेशनशिप पता चलेगा बिटवीन द कैश आउटफ्लो एंड द कैश इनफ्लो, क्लियर। तो इंडेक्स क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, क्लियर है। चलो अब ये बताओ कि बेनिफिट कब होगा। अब यहां पर अगर इस केस में देखोगे तो बेनिफिट कहां पर होगा, अगर ये कैश इनफ्लो ज्यादा होगा, अगर कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा होगा तभी तो बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आते हैं कैपिटल बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर। अब मुझे ये बताओ कि हमने कैपिटल बजटिंग में हमने जितनी भी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की, हमने जितनी भी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की, सभी के सभी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर्स थे, क्या मुझे बता सकते हो, इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या थे। कोई दो ऐसे वेरिएबल थे जिसके बीच में हमने हर टेक्निक में हमने रिलेशनशिप पढ़ा, कोई दो वेरिएबल्स ऐसे, ठीक है। मैं बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ कि दो वेरिएबल्स ही हैं ऐसे कि जिसके बीच में हमने रिलेशनशिप पढ़ा, एनपीवी में भी पढ़ा, आईआरआर में भी पढ़ा, ठीक है। कौन से दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच में हमने रिलेशनशिप पढ़ा। सर बहुत सिंपल है, कौन से दो हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इसका मतलब है कि जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी हम यही दो फैक्टर्स लेंगे, जो कॉमन वेरिएबल्स हैं जो अभी तक सभी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में यूज किए, वही कॉमन वेरिएबल्स हम लोग यहां पर भी लेने वाले हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अभी तक क्या रिलेशनशिप पढ़े थे हमने, एनपीवी में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आईआरआर में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम क्या देख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसको रीड कैसे करना है कि हमें समझ में आए, इसको रीड करने का तरीका क्या है, इसको रीड करने का तरीका है जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, क्या किया, कैश आउटफ्लो किया, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज करने के बाद हमें बेनिफिट कितना हो रहा है, दैट इज माई कैश इनफ्लो, मतलब इन रिलेशन टू कैश आउटफ्लोज व्हाट इज द बेनिफिट आई एम गेनिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्लियर। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू द कैश आउटफ्लो दैट आई हैव डन इन द इनिशियल पीरियड, व्हाट इज द बेनिफिट दैट आई एम गोइंग टू गेट इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोज, क्लियर। अब जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उतना ज्यादा बेटर है, मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेटर है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, दिस इज माई बेनिफिट, ठीक है जी, एंड दिस इज माई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया स्कीम्स पर उसमें से मुझे बेनिफिट कितना हुआ। अब जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उतना मुझे अच्छा है, उतना कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बिल्कुल ठीक है सर। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस रेशियो में बेनिफिट ज्यादा होगा, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अगर ज्यादा होंगे तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होगा या कम होगा। ऑब्वियसली जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा,
इंक्रीज होता जाएगा. दैट मीन्स हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स द बेटर इट इज. सो व्हाट इज द थंब रूल? हायर द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI द बेटर इट इज. क्लियर है? तो इसका मतलब है कि अगर कोई हमारे पास कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस हैं तो वो डिसीजंस किस पर बेस्ड होंगे? वो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होंगे कि अगर हमारा PI इज ग्रेटर, ठीक है, देन द अदर प्रोजेक्ट्स. अगर प्रोजेक्ट ए का PI प्रोजेक्ट बी से ग्रेटर है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. क्लियर है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के केस में ये होगा. ठीक है जी. तो PI का एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि सर हायर द PI द बेटर इट इज, क्योंकि उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैश आउटफ्लो. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर. इवन आप अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे या किसी भी बुक में देखोगे, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर. ठीक, तो क्या सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है? कैसे इंपॉर्टेंट है? सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है NPV, IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कंबाइन करके, एक चीज. दूसरा कैसे इंपॉर्टेंट है? अभी हम कैपिटल राशनिंग करेंगे, कैपिटल राशनिंग में ये चीज यूज होगी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फिर से, राइट? सो दिस इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज बी केयरफुल इन दिस. दैट इज कैपिटल राशनिंग. चलो जी सर, कैपिटल राशनिंग में मेरे पास क्या है? हाउ टू स्टडी दिस टॉपिक? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल राशनिंग में से. आई वोंट से कि क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कैपिटल राशनिंग में से. ठीक है, तो ये मान के चलो कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल राशनिंग. सर है क्या कैपिटल राशनिंग में? कैपिटल राशनिंग में क्या बोलता है वो, कुछ पहले चीजें लिख लेते हैं कि क्या बोलता है. वो कहता है कि आई हैव लिमिटेड फंड्स अवेलेबिलिटी फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन. वो कहता है कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने कुछ कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए मेरे जो फंड्स हैं वो लिमिटेड हैं. मतलब मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख है, तो 10 लाख ही है, मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता फॉर माय कैपिटल बजटिंग डिसीजन. अगर मेरे 12 लाख है तो मेरे पास 12 लाख ही है, मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं, मेरे पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं है, राइट? सो आई हैव लिमिटेड फंड्स अवेलेबिलिटी फॉर द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. ओके, सेकेंड थिंग, There is no alternative use of these funds. इसका मतलब क्या है कि ये जो funds हैं, जो limited funds हैं, उनका कोई alternative use नहीं करना मुझे. मैंने वो स्पेसिफिकली फंड्स किस चीज़ के लिए रखे हैं? सिर्फ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लिए ही रखे हैं. उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए मैंने वो फंड्स रखे हैं, उसका मैं कहीं और यूज़ नहीं करने वाला. देयर इज़ नो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ दिस फंड्स. दीज फंड्स आर गोइंग टू बी यूज्ड ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज, In case of capital rationing, we'll talk only of. चलो इसको दूसरी तरह लिखते हैं, we'll not talk about
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट इन केस ऑफ कैपिटल राशनिंग देर इज वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट और द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स. क्लियर है? तीन तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट और द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स. क्लियर? ठीक है जी. हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के बारे में बात क्यों नहीं करते कैपिटल राशनिंग में, वो अभी बताऊंगा. जब मैं बताऊंगा कैपिटल राशनिंग का पर्पस क्या है हमारे पास, वहां पर आपको समझ आएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे. अब आओ पर्पस पे. पर्पस क्या है कैपिटल राशनिंग का मेरे पास? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपिटल राशनिंग? सर बहुत सिंपल है. मैंने कहा मेरे पास लिमिटेड फंड्स हैं. सपोज मेरे पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं इन कंसिडरेशन, ए बी सी डी ई एफ. आई हैव 6 प्रोजेक्ट्स इन कंसिडरेशन. दिस इज प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी सी डी ई एंड एफ. फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स नहीं है. इसका मतलब है कि मैं ये मान लूं कि ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं. अब इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी बेसिक एजम्पशन है कि सर जरूरी नहीं कि मैंने अगर ए एक्सेप्ट किया तो बी रिजेक्ट करूंगा. लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये कंडीशन होती है कि अगर मैंने ए को एक्सेप्ट किया तो मेरा बी सी डी ई एफ रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर मैंने बी को एक्सेप्ट किया तो मेरे बाकी के प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो जाएंगे. ठीक है? तो इस केस में हम इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स नहीं लेते, क्योंकि हमने करना क्या है सर, हमने कहा कि जितने मेरे लिमिटेड फंड्स हैं, सपोज 10 लाख है यहां पर मेरे पास, तो मैंने 10 लाख को ये सभी प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करना है. दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, कि मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट टेकअप करूं ताकि मेरे फंड्स 10 लाख ही लगें लेकिन प्रोजेक्ट्स मेरे पास 1 से ज्यादा हों. दैट इज वाई आई एम सेइंग दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एंड दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होगा तो मेरा एक ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा. कौन सा? जिसका एनपीवी ज्यादा होगा या आईआरआर ज्यादा होगा या जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा होगा. तो वहां पर कैपिटल राशनिंग की जरूरत ही नहीं है. कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या है कि जो मेरे लिमिटेड फंड्स हैं दैट आर टू बी अप्लाइड इन द वेरियस प्रोजेक्ट्स रैशनली. दैट इज वाई द वर्ड इट इज यूज इज कैपिटल राशनिंग. कैपिटल राशनिंग मीन्स जो लिमिटेड फंड्स हैं उसको वेरियस प्रोजेक्ट्स में रैशनली डिवाइड करना. राइट? सो ये जो मेरे पास हैं दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, और इसमें क्या है लिमिटेड फंड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस प्रोजेक्ट्स among various projects rationally. That is why it is called as capital rationing. Capital rationing clear है? Limited funds हैं, कोई alternative use नहीं है funds का, और जितने project हैं वो mutually exclusive projects नहीं हैं, वो independent projects हैं. इसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा project को accept कर सकते हैं. ठीक है? अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें इस तरह से एक्सेप्ट करने हैं कि जितने हमारे लिमिटेड फंड्स हैं हमें उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने हैं. सपोज मेरे पास 10 लाख हैं, मुझे 2 लाख इसके लिए चाहिए, ठीक है, 3 लाख इसके लिए चाहिए, मुझे 5 लाख इसके लिए चाहिए, मुझे 4 लाख इसके लिए चाहिए, और 2 लाख इसके लिए, और 2 लाख इसके लिए. क्लियर? अब मैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकता हूँ इसमें? ये और ये कर सकता हूँ. 10 लाख पूरा हुआ, क्या उसके बाद मैं डी ई एफ करूंगा? सर कर ही नहीं सकता, मेरे पास फंड ही नहीं है. मेरे पास फंड ही 10 लाख रुपए हैं. इसका मतलब है कि उन 10 लाख को मुझे रैशनली डिवाइड करना है बिटवीन द वेरियस इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, दैट इज द प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स.
क्लियर है? अब सर इसमें मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी दो तरह के हो सकते हैं। इसमें मेरे पास क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो मेरे पास यहां पर प्रोजेक्ट्स, द फर्स्ट टाइप इज डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, राइट। दूसरा जो प्रोजेक्ट है दैट इज इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स, इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। तो मेरे पास दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स एंड द इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है? डिविजिबल प्रोजेक्ट्स का क्या मीनिंग है और इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स का क्या मीनिंग है? सपोज मेरे पास जो फंड्स हैं, आई हैव, चलो मैं इसको साइड पे लिख लेते हैं। सपोज आई हैव फंड्स, लिमिटेड फंड्स हैं मेरे पास 10 लाख के, क्लियर। मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी तक। मुझे 2 लाख इसके लिए चाहिए, 2 लाख इसके लिए चाहिए, ठीक है जी, 4 लाख, 5 लाख इसके लिए चाहिए मुझे, और 3 लाख इसके लिए चाहिए। अब बताओ कि जो मेरे पास फंड्स हैं 10 लाख रुपए के, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट में कैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो? चलो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर मुझे 4 लाख चाहिए, 3 लाख नहीं 4 लाख चाहिए। ठीक है, अब बताओ मुझे ये 10 लाख को आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? मैंने कहा सर एबीसी में इन्वेस्ट कर दो, 2 + 2 = 4 और 5 = 9, 1 लाख तो बच गया फंड्स का। 1 लाख क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे, 1 लाख रुपए पड़ा रहेगा, क्या फायदा उसका, ठीक है जी, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा बी सी और डी में इन्वेस्ट कर दो, मैंने कहा 5 और 4 = 9, फिर से 2 लाख चाहिए मेरे पास, तो फिर से 1 लाख बचता है, क्या करूं मैं, समझ में आ रहा है? अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। मेरे पास फंड्स हैं 10 लाख रुपए, जब मैं कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूं तो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनता है 9 लाख का। अब 1 लाख रुपए मेरा वेस्ट जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ए को पूरा एक्सेप्ट करो, 2 लाख, 2 लाख इसमें लगाओ, 5 लाख इसमें लगाओ, 9 लाख बना। मैंने कहा डी को मैं सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं इस प्रोजेक्ट में, पार्टली इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा, मैं डी में सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं उसे कर सकता हूं। आई कैन डिवाइड दिस प्रोजेक्ट डी इंटू वेरियस पार्ट सो दैट आई डू ओनली वन पार्ट दैट रिक्वायर्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट डी को इस तरह से डिवाइड कर सकता हूं तो इट बिकम्स माई डिविजिबल प्रोजेक्ट। और अगर मैं जो मेरा प्रोजेक्ट डी है मैं उसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए मेरा आइडल पड़ा रहेगा साइड पर, तो मैं कहूंगा उसे मेरे इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? व्हेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अगर किसी एक प्रोजेक्ट का हम कुछ हिस्सा एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाकी का हिस्सा रिजेक्ट कर सकते हैं तो दैट इज माई डिविजिबल प्रोजेक्ट, ठीक है। इनडिविजिबल प्रोजेक्ट कौन से हैं? व्हेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट इज द प्रोजेक्ट विल हैव टू बी एक्सेप्टेड एज अ होल, दैट इज द प्रोजेक्ट will have to be accepted in entirety, मतलब पूरा के पूरा प्रोजेक्ट ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम उस प्रोजेक्ट को तोड़ नहीं सकते, ठीक है जी, क्लियर है?
सो मेरे पास दो तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। क्लियर? अब सर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मैंने कहा कि ये जो फंड्स हैं, ठीक है, मुझे रैशनली वेरियस प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करने हैं। सर अब उस रैशनली उसको डिवाइड करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बेस चाहिए कि मैं किस बेसिस पर वो प्रोजेक्ट्स को क्या है एक्सेप्ट करूं। मुझे कुछ ना कुछ बेस तो चाहिए कि अगर मैं प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं प्रोजेक्ट ए को क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूं, अगर मैं बी को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो बी को एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूं, अगर सी को रिजेक्ट कर रहा हूं तो मैं सी को रिजेक्ट क्यों कर रहा हूं। मुझे कोई ना कोई रीजन, वैलिड रीजन तो चाहिए ना सर, ठीक है? और वो वैलिड रीजन या बेस मुझे कैसे मिलेगा? कैपिटल बजटिंग में वो बेस मिल सकता है हमें। अब दो टेक्निक्स हैं कैपिटल रशनिंग के लिए। कौन कौन सी? कैपिटल रशनिंग के लिए हम दो तरह से उसको कर सकते हैं, एक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एक है एनपीवी। इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, वी विल रैंक द प्रोजेक्ट्स, वी विल रैंक द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हायर टू लोअर। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं इस प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करता हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसके दो रीजन हो सकते हैं क्या? या तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स काफी हायर है, बाकी प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है इसलिए मैं प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर रहा हूं, या ये सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इसलिए मैं प्रोजेक्ट ए को सबसे पहले एक्सेप्ट करूंगा, सबसे ज्यादा पैसा मैं प्रोजेक्ट ए में लगाऊंगा। फिर बी में क्यों लगाऊंगा? बी में जो बी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो बाकी प्रोजेक्ट से ज्यादा है लेकिन ए से कम है तो मैं बी को सेकंड नंबर पे रखूंगा, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी। क्लियर है? सर आईआरआर क्यों नहीं यूज करते हम लोग? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एनपीवी और आईआरआर है तो मेरे पास बेटर क्या है, एनपीवी है। क्यों? क्योंकि एनपीवी मेरे पास एब्सोल्यूट टर्म्स में है और जो आईआरआर है वो मेरे पास एक रिलेटिव परसेंटेज फिगर आती है। अब एक चीज समझो, एनपीवी में हम क्या देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम लोग क्या देखते हैं सर, बेनिफिट देख रहे हैं कि कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। एनपीवी में क्या देखते हैं, कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। आईआरआर में हम लोग क्या देखते हैं, आईआरआर में देखते हैं कि एक ऐसा रेट जहां पर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो रही है, ठीक है? तो बेटर क्या है सर, पीआई एनपीवी बेटर है जहां पर हम लोग बेनिफिट सोच के चलते हैं चलेंगे अपना। अगर हम पहले ही नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन सोच के चलेंगे तो उसका फायदा क्या हमें। क्लियर? इसीलिए जब भी कैपिटल राशनिंग करते हैं तो वहां पर आईआरआर नहीं यूज करते, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या एनपीवी टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, अब अगली प्रॉब्लम ये आई कि हमने कहा या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूज कर लो या एनपीवी यूज कर लो, ठीक है? अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कब यूज करना है और एनपीवी कब यूज करना है, अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमें एक्चुअल में यूज कौन सा करना है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही क्लियर कट फंडामेंटल दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको यूज करो इफ द प्रोजेक्ट्स आर, इफ प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। क्लियर? और एनपीवी को यूज करो, एनपीवी को कब यूज करोगे, इफ प्रोजेक्ट्स आर, इफ प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। क्लियर है? तो उन्होंने इसके बीच में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन हमें दी है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कब यूज करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूज करना है व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, और एनपीवी यूज करना है व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। राइट? क्लियर है? तो ये हमारे पास क्लियर कट इसमें एक डिस्टिंक्शन है कि किस तरह से हमें इन दो चीजों को डिवाइड करना है, ठीक है? अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं।
जिससे कि हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें कैलकुलेट रैंकिंग कैसे करनी है और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे करनी है हमें, ठीक है, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो लेट अस सी अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बी लिमिटेड हैविंग द लिमिटेड फंड्स ऑफ 10,10,000 एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% इज इवैल्यूएटिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट क्या है, ए बी सी डी ई एफ, छह प्रोजेक्ट हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लोज हैं 50,000, 1 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख, 250 एंड 6 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 5 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 25,000 और 38 लाख, 40,000। क्लियर है। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 10 ईयर्स 10 ईयर्स 10 ईयर्स। सब प्रोजेक्ट्स की लाइफ कितनी है, 10 साल है। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर कैपिटल बजटिंग। वो कहता है कौन सा प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। अब डिविजिबल होगा तो हम किसके बेसिस पे रैंकिंग करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे। सी पार्ट में उसने क्या कहा, उसने कहा विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल है तब किसके बेसिस पे करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी एंड एनपीवी इज रिलेटेड टू इनडिविजिबिलिटी। ठीक है जी, क्लियर है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें हर प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करनी है और हर प्रोजेक्ट की हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करनी है। चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा यहां पर प्रोजेक्ट ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है जी, प्रोजेक्ट आया, उसके बाद मेरे पास क्या है, कैश आउटफ्लोज, फिफ्टी थाउजेंड, 1 लाख, 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 2 लाख 50 एंड 6 लाख। क्लियर। फिर मेरे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज दैट कम्स टू 5 लाख। इसको मैं ए ले लूंगा, इसको मैं बी ले लेता हूं। ठीक है जी, 5 लाख, 9 लाख, ये क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पर, राइट, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं डायरेक्टली फिगर्स लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो सामने है क्वेश्चन। 14 लाख, 16 लाख, 25,000, दीज फिगर्स आर डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट इट। 38 लाख, 40,000, चलो एक बार देख लो। ठीक है जी, मैंने कुछ नहीं किया, इनिशियल कैश आउटफ्लोज ले लिए और कैश इनफ्लोज ले लिए ऐसा जो दिए गए हैं हमें। क्लियर। अब मुझे ये बताओ एनपीवी कैसे निकालते हैं सर, एनपीवी पता है आपको कैसे निकालते हैं? नहीं सर, हम तो भूल गए एनपीवी कैसे निकालते हैं, बहुत देर होगी पड़े। ए बी माइनस ए, सर बहुत देर होगी, हम तो भूल ही गए, आपने लेक्चर ही नहीं किए बीच में, हम भूल गए एनपीवी सारा। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लो। तो एनपीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है जी, चलो बी माइनस ए, 4 लाख, 50,000, 8 लाख, 10 लाख, 50,000, देन इट कम्स टू 12 लाख, देन यू हैव 13 लाख, 75,000, 13 लाख, 75,000, देन 32 लाख, 40,000। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी बी डिवाइडेड बाय ए। ये तो सर अभी अभी किया, ये कैसे हम भूल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 10, 9, 8,
7, 6.5 and 6.4। अब करनी है जी हमें रैंकिंग। अब रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दोनों के बेसिस पे क्या करनी है? रैंकिंग करनी है। अब एनपीवी के बेसिस पे बताओ रैंकिंग कैसे करोगे। सबसे ज्यादा एनपीवी किस कौन से प्रोजेक्ट का है? सर एफ का है, तो एफ को क्या देंगे? 1। उसके बाद ई का है 2, फिर उसके बाद डी का है, डी का ही है 3, बिल्कुल ठीक है सर, 4, 5 और 6। इसका मतलब है कि जो पैसा है वो सबसे पहले किस में लगाना चाहिए? हमें प्रोजेक्ट एफ में लगाना चाहिए। प्रोजेक्ट एफ में कैश आउटफ्लोज कितने चाहिए? 6 लाख। हमारे पास बजट कितना है? 10 लाख का है सर। ठीक है, 6 लाख हम लगा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद पीआई के बेसिस पे रैंकिंग करो तो क्या बनेगी? पीआई किसका ज्यादा है? सर प्रोजेक्ट ए का ज्यादा है, तो इसकी रैंकिंग बनेगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो उसने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा था? उसने कहा रैंक द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हमने करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया? रैंकिंग कर दी। उसने रैंकिंग ही मांगी थी, हमने रैंकिंग कर दी। अब उसने क्या मांगा है? बी पार्ट पढ़ो। उसने कहा विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ मनी एलोकेटेड फॉर कैपिटल बजटिंग। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि अब जो 10 लाख रुपए है, पैसा एलोकेट करो बिटवीन द वेरियस प्रोजेक्ट्स एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। अगर ये प्रोजेक्ट्स को हम मान के चलते हैं कि डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि जो रैंकिंग हम किसकी लेंगे, एनपीवी की लेंगे या पीआई की लेंगे? जो रैंकिंग है हम किसकी लेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की रैंकिंग लेंगे। ठीक है सर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की रैंकिंग ले लेते हैं हम लोग। जो इन्वेस्टमेंट है अब किसके हिसाब से करेंगे हम? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से रैंकिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करनी है अब वो देख लेते हैं। बी पार्ट सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, सिलेक्शन ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। चलो जी, मेरे पास फंड्स कितने हैं? मैं यहां पे फंड्स लिख लेता हूं। मेरे पास है 10,10,000। चलो यहां पे मैं ले लेता हूं प्रोजेक्ट्स ए बी सी डी एंड ई एंड एफ। ओके, इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले बताओ, सबसे पहले प्रोजेक्ट की पीआई सबसे ज्यादा कौन से प्रोजेक्ट की है? सर प्रोजेक्ट ए की है। इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर 50,000 की। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल सर, इसमें इन्वेस्टमेंट 50,000। ये जो टोटल है इन्वेस्टमेंट का, दिस शुड नॉट एक्सीड 10,10,000 रुपीज। सिंपल फंडा, जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वेरियस प्रोजेक्ट्स में, दैट कैन नॉट एक्सीड 10,10,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि मेरे पास उससे ज्यादा फंड ही नहीं है सर। तो 50,000 लगाया, ठीक है सर। अगला क्या है? सेकंड रैंकिंग बी की, 1 लाख रुपए लगेगा। लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो सर, लगा दो। चलो अभी भी पैसा बचा। सी की कितनी है? 1.5 लाख। पता है मुझे 1.5 लाख भी बच रहा है मेरे पास, 1.5 लाख लगा देता हूं। डी में 2 लाख चाहिए, ठीक है। अब कितना हो गया ये? 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो 5 लाख हो गया। तो अब ई के लिए कितना चाहिए? 2.5 लाख चाहिए। तो मेरे पास अभी भी 5 लाख का गैप है, तो मैं 2.5 लाख यहां पर भी लगा दूंगा। अब मुझे एफ के लिए कितना पैसा चाहिए? सर एफ के लिए चाहिए 6 लाख। मेरे पास बचा कितना अब इसमें से पैसा? मेरे पास कितना पैसा बचा इसमें से? सर मेरे पास तो इसमें से सिर्फ 2,60,000 ही बचे। तो क्या मैं ये 2,60,000 लगा सकता हूं यहां पर या नहीं लगा सकता? यहां पर मैं 2,60,000 लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स जो हैं दैट इज डिविजिबल। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि 6 लाख का 6 लाख ही लगाना है। जितना बचा 2,60,000, ये 2,60,000 कैसे आया? ये आया 10,10,000 -50,000 -1 लाख -1,50,000, ठीक है जी, -2 लाख -2,50,000। क्लियर?
तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास डिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आई कैन एक्सेप्ट। इसीलिए मेरे पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी, एफ में मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी 6 लाख की, लेकिन मेरे पास जो पैसा था पॉकेट में वो सिर्फ 2,60,000 था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एफ के लिए मैं कहता हूँ कि मैं 2,60,000 लगाकर मैं हाफ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लूँगा, नियर टू हाफ, हाफ से थोड़ा कम प्रोजेक्ट, तो आई विल एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू एक्सेप्ट द होल प्रोजेक्ट। क्लियर? सो इन द कैपिटल रैशनिंग दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ दैट यू कैन इन्वेस्ट द मनी। क्लियर? चलो जी, अब करते हैं इसका सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या है मेरे पास, वो कहता है विच प्रोजेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड एज्यूमिंग that the projects are indivisible and there is no alternative use of money allocated for capital budgeting. अब indivisible projects हैं तो मैं किसके basis पे करूँगा, मैं करूँगा NPV के basis पर सर, ठीक है। अब NPV के basis पर हम लोग कैसे इसको allocate करते हैं, let's see that. बड़ा interesting part है ये, selection of indivisible projects. सर मैं अब indivisible projects ही कैसे करूंगा, on the basis of NPV, इसके किसके basis पर, NPV के basis पर। तो मैं क्या लूंगा, यहां पर projects ले लूंगा और यहां पर मैं ले लूंगा investment, ठीक है। तो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 10,10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मैं प्रोजेक्ट्स को अब डिवाइड नहीं कर सकता। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैं प्रोजेक्ट्स को डिवाइड नहीं कर सकता सर, या तो पूरा के पूरा एक्सेप्ट करूँगा या पूरा के पूरा रिजेक्ट करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन द फंड्स। चलो सबसे ज़्यादा NPV कौन से प्रोजेक्ट का है, सबसे ज़्यादा NPV है प्रोजेक्ट एफ का, तो इसलिए मुझे प्रोजेक्ट एफ लेना पड़ेगा 6 लाख रुपये, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने लिया एफ प्रोजेक्ट, एफ प्रोजेक्ट कितना है 6 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट NPV किसका है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ई का, कितना 2,50,000 रुपए। क्लियर है, 2,50,000 रुपए है, तो 2,50,000 रुपए क्या मैं यहां लगा सकता हूं, अभी भी लगा सकता हूं सर, 2,50,000। आपके पास अब बचा कितना सर, 8,50,000 लगा दिया मैंने, मेरे पास कितना बचा, कितना बचा मेरे पास 1,60,000 बचा, ठीक है। अब यहां पर बैलेंस कितना बचा मेरे पास 1,60,000। अब नेक्स्ट NPV कौन से प्रोजेक्ट का है, नेक्स्ट NPV है प्रोजेक्ट डी का। अब यहां पर मजेदार चीज है सर, प्रोजेक्ट डी के लिए चाहिए था मुझे 2,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, लेकिन मेरे पास पैसा कितना है 1,60,000 रुपए, ठीक है सर। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कर लेते हैं, 1,60,000 लगाते हैं, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कर लेते हैं, यहीं पर गलती नहीं करनी हमने। क्यों, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है दैट इज इनडिविजिबल, प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, तो सर क्या करें फिर, इसका मतलब है हम प्रोजेक्ट डी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट डी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो नेक्स्ट पर छलांग मारो, किस पे, प्रोजेक्ट सी पर। प्रोजेक्ट सी के लिए कितना चाहिए 1,50,000, मेरे पास कितना है 1,60,000, क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, यस yes. कितना 1,50,000। तो ये मेरे पास टोटल फंड्स कितने बचे सर, 10 लाख बने, मेरे पास जो 10,000 है वो आइडल फंड्स पड़े रह जाएंगे, क्योंकि मैं 10,000 और कहीं लगा ही नहीं सकता। मेरे पास कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम से कम भी 50,000 चाहिए, मेरे पास बचा कितना 10,000 रुपये, ठीक है। जब 10,000 ही बचा मेरे पास तो मैं कैसे उसको इन्वेस्ट कर लूंगा सर, तो 10,000 क्या है, 10,000 मेरे पड़े रह जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है? तो अब क्या बना सर, NPV में कोई और भी तरीका, तो NPV के हिसाब से क्या हुआ, सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुए, 6 लाख, 2,50,000 और 1,50,000 रुपए। अब इनकी NPV क्या थी, इनकी NPV थी 32 लाख, इसकी NPV क्या थी 32,40,000, ठीक है, 13 लाख,
75,000 एंड 10 लाख, सॉरी 10 लाख, टेन लाख 50,000। तो टोटल एनपीवी क्या थी? 56,65,000। तो सर एनपीवी से क्या बस यही हो गया, एलोकेशन खत्म हो गया और कुछ नहीं करना हमें इसमें? नहीं सर, खत्म नहीं हुआ अभी। अब एनपीवी में यही मजेदार चीज है सर, हमने अभी कॉम्बिनेशन बनाया एफईसी का, क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनता है? क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि जिसमें हमारी एनपीवी 56,65,000 से भी ज्यादा हो? क्या ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे पास? चलो जी देख लेते हैं। ये था मेरे पास, अब यहां पर इसको मैं लिखूंगा कॉम्बिनेशन वन। अब मैं बनाऊंगा आपके लिए कॉम्बिनेशन नंबर टू। अब हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन नंबर टू। क्या प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एनपीवी, मैंने कहा पहले तो मैं ले लूंगा एफ, इन्वेस्टमेंट कितनी है 6 लाख की, ठीक है। उसके बाद मैं ई में भी लगा दूंगा कितना, 2.5 लाख। अब मेरे पास क्या बचा, 1.5 लाख बचा मेरे पास, कितना बचा, 1,60,000 बचा ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं डी में भी नहीं लगाता, मैं सी में भी नहीं लगाता, मैं क्या करता हूँ बी और ए में पैसा लगा देता हूँ, तब भी तो मेरे पास 1.5 लाख ही बनता ना। 1,60,000 है, मैं 1 लाख रुपये बी में लगा दूंगा, 50,000 रुपये ए में लगा दूंगा, तो तब भी मैं कितना लगा सकता हूँ, 1.5 लाख लगा सकता हूँ ना मैं, क्योंकि मेरी पॉकेट में कितना है, मेरी पॉकेट में 1,60,000 रुपये है। क्लियर, 1,60,000 है, तो मैं बी और ए में लगा सकता हूँ। मैंने कहा मैं बी में लगा देता हूँ 1 लाख और ए में लगा देता हूँ मैं 50,000, ठीक है। तो ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट क्या बनी, 10 लाख की बन गई। तो वो 10,000 तो मेरा आइडल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मेरी 10,000 की इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं यूज़ होने वाली है एनपीवी में। अगर एनपीवी के हिसाब से देखें, पार्टली प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो वो 10,000 मेरा कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है सर। 10,000 आइडल भी पड़ा रहेगा, हमें कोई नुकसान नहीं है, उसका यूज़ कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। उसको बैंक में जमा करवा देंगे, वहाँ से इंटरेस्ट कमा लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रहेगा भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख के पीछे 10,000 रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्लियर है। लेकिन 10,000 जो है, 10 लाख जो है वो हमारा रैशनली इन्वेस्ट होना चाहिए। अब एनपीवी कैलकुलेट करो क्या होगी, एफ की एनपीवी कितनी थी, 32,40,000 की थी, ठीक है। इसकी उसके बाद ई की कितनी है, 13,75,000 की है। बी की कितनी है, 8 लाख, और ए की कितनी है, 4,50,000 की। तो टोटल एनपीवी कितनी बनी है आपके पास, 58,65,000। अब देखो कॉम्बिनेशन वन में एनपीवी कितना था, कॉम्बिनेशन वन में आपके पास एनपीवी था 56,65,000 का, कॉम्बिनेशन टू में कितना बन गया, 58,65,000 का, ठीक है जी, कमाल है सर ये तो। तो सर बस फिर ठीक है, कॉम्बिनेशन टू एक्सेप्ट करते हैं, नहीं एक और कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हम लोग, एक और कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सर ऐसे तो हम कॉम्बिनेशन ही बनाते रह जाएंगे एग्जाम में, 2 से 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, 2 से 3 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, उससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाले आपके, इन्वेस्टमेंट एंड एनपीवी। प्रोजेक्ट एफ ले लिया 6 लाख रुपये, ठीक है। अभी तक ये बताओ, मैंने एफ भी ले लिया, ई भी ले लिया, सी भी ले लिया, बी ए भी ले लिया, बेचारा डी की क्या गलती है, बेचारे डी प्रोजेक्ट की क्या गलती है, उसको क्यों छोड़ दिया सर आपने, ठीक है। इस बार एक काम करते हैं, ई को नहीं लेते हम लोग, ई को घर बिठाते हैं, डी को लेके जाते हैं साथ में बाजार। चलो जी अब डी की बारी है, डी को ले लिया 2 लाख, अब बचा कितना मेरे पास, 2 लाख बचा। अब 2 लाख कैसे बना सकता हूँ मैं, 2 लाख अगर सी को एक्सेप्ट करता हूँ तो 1.5 लाख, उसके बाद मेरे 60,000 वेस्ट जाएंगे, तो 2 लाख मैं कैसे बना सकता हूँ सर। एक काम करता हूँ मैं सी को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं ए को भी एक्सेप्ट करता हूँ, 2 लाख कैसे बनेंगे, ई को तो मैं ले नहीं सकता, ठीक है, सी को ले लेता हूँ, अगर सी को लेता हूँ तो बी को नहीं ले सकता,
ठीक है, अगर तो किसको ले सकता हूँ साथ में, ए को, अगर सी को नहीं लेता बी और ए को लूंगा तब भी मेरे फंड्स वेस्ट जाएंगे 60,000। तो मैंने क्या किया, सी भी ले लिया और ए ले लिया मैंने साथ में। चलो जी अब इनको घुमाने लेके जाते हैं मार्केट, 1.5 लाख और ए के पास कितना है 50,000, तो ये टोटल कितना बना 10 लाख। अब इनका एनपीवी ले लो 32,40,000, ठीक है जी। डी का है 12 लाख, सी का कितना है, सी का है 10,50,000 और ए का कितना है 4,50,000। क्लियर, तो इसका टोटल बनेगा आपके पास 59,40,000। अब बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट करें, 1, 2 या 3। 156 लाख, 258 लाख, 3 में 59,40,000 पहुंच गया, ठीक है सर। तो इस तरह से जब एनपीवी टेक्निक है तो वहां पर हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर उसमें चेक करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन से कॉम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम एनपीवी आ रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट आ रहा है, दैट इज टू बी चेक्ड। क्लियर, सो यहां पर हम लोग इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन नंबर 3 विल बी सिलेक्टेड। कौन कौन से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, FDCA, जहां से हमें सबसे ज्यादा एनपीवी आ रहा है हम वो कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू कैपिटल रैशनिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लिमिटेड फंड्स हैं, लिमिटेड फंड्स को वेरियस प्रोजेक्ट्स के बीच में डिवाइड करना है और प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हुए तो एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया तो बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डिवीजन का बात ही नहीं आई, फिर तो सारे के सारे फंड्स एक ही प्रोजेक्ट में लगा दो, बाकी जितने बचे वेस्ट, ठीक है। तो इसलिए जब भी कैपिटल राशनिंग की बात करते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स नहीं होते हमारे पास, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द कैपिटल राशनिंग। अब अगर कैपिटल बस्टिंग की बात करें, अब हमारे पास मेजरली एक टॉपिक रह गया जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि बीच में मैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आपको दूं करने के लिए, कुछ डिस्कस कर लें हम लोग, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली दूंगा, जो क्वेश्चंस मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे वहां पर मैं आपको डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, हमारा जो इसका एक टॉपिक, मेजरली एक टॉपिक बचा है हमारे पास कैपिटल बजटिंग में, अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से भी टैली करोगे तो मेजरली हमारे पास एक टॉपिक बचता है, दैट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल्स, कुछ ऐसा हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। मेक और बाय है या रिप्लेसमेंट डिसीजंस है, बेसिकली मैं उसको रिप्लेसमेंट डिसीजन लिख देता हूँ, रिप्लेसमेंट डिसीजंस, clear? So this is the next lecture that we are next topic that we are going to cover in the next lecture. So if you have any queries, you can send me an email at ksjteaching@gmail.com, and for the study material you can visit the website, you all know now, www.ksjteaching.org. You can connect with me on the Telegram app also. I keep on updating the important things on the Telegram app also. Right, so that's all for this lecture, friends. Thank you so much.